हम लोग डिमांड समझ लिए थे, सप्लाई समझ लिए थे। ये डिमांड और सप्लाई कौन फुलफिल करता है? कंपनीज। कंज्यूमर फुलफिल नहीं करता है, डिमांड भी कंज्यूमर फुलफिल नहीं करता है। हम कंज्यूमर है, हमको कोई चीज़ का डिमांड है, फुलफिल हम करेंगे क्या? नहीं। कोई ऊपर है जो बना के भेजता होगा, प्रोडक्शन है ना, और उस प्रोडक्शन में कुछ खर्चा लगता होगा और उम्मीद होता होगा हम कुछ रेवेन्यू कमाएं जो उस खर्चा से ज़्यादा हो, ताकि हम प्रॉफिट उठाएं। कॉमन सेंस। आज हम तुम लोग को एकदम बेसिक, एकदम ना फैक्ट्री वाला हिसाब किताब समझा रहे हैं, ठीक है? यू नो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैक्ट्री कहाँ पे? एनीबडी, एनी गेसेस? हाँ, वो फैक्ट्री इतना बड़ा है कि उसका अपना स्कूल है, उसका अपना क्वार्टर्स है, अपना ग्रोसरी शॉप्स है, अपना मॉल है। अमेजोन का भी नहीं है? नहीं। यस, चाइना। वेरी गुड श्रुति, चाइना में है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाता हम लोग, चाइना का जो जितना भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लेते हैं ना, वही कंपनी बनाता है, और वो सबसे बड़ा कंपनी। इनफैक्ट वो 24 घंटा में एक मिनट बंद नहीं होता है। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी वहीं पे काम करेंगे विथ अ वेरी गुड अमाउंट, मतलब पैसा अच्छा मिलता है। तुम लोगों को पता है, बंद कर दे तो, एक फैक्ट्री अगर 15 से 20 मिनट के लिए बंद हो गया तो कितना करोड़ का नुकसान हो सकता है कंपनी को। तुम लोग मैगी का कहानी जानता है, क्या हुआ था मैगी के साथ? मैगी के ऊपर आरोप लगा था, आगे आ जाता स्क्रीन बेटा, तुमको देख ही नहीं पाते हम, यहाँ आगे बैठ, डरती क्यों आगे आने में? श्रुति तुम भी आगे आ जाओ, आगे सीट खाली है। तो मैगी के साथ क्या हुआ था, कहा जा रहा था कि उसमें जो लेड है वो ज्यादा है, मतलब कि हर प्रोडक्ट में उसको प्रिजर्व करने के लिए लेड होता है, बट कुछ समय बाद वो लेड जो है प्रोडक्ट रिएक्शंस होने के कारण ऑटोमेटिकली अंदर से जनरेट करने लगता है, जिसके कारण जो ईटेबल है, जो हम लोग खाएंगे सामान को, वो बॉडी में हार्म करेगा। तो ये सारा चीज़ को ये लोग ध्यान में रखता है, इनपुट पे काम करके सामान बनाता है। तो अब ये प्रोडक्शन के लिए कुछ तो बेसिक रूल होगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े, प्रोडक्शन को लेके क्या लॉ है भैया, ठीक है? उस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग का जो रिवाज है, एक छोटा सा रिविजन करते हैं। पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे भैया, इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, मतलब कि इनपुट बदले आउटपुट में वो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट में, यही तो प्रोडक्शन है। हाउ एनीथिंग इज प्रोड्यूस्ड, चार चीज का जरूरत होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब जमीन, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग लैंड में काउंट कर सकते हैं। फीचर्स था, लैंड कौन दिया है, नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई क्या है लैंड का, लिमिटेड है, फिक्स्ड है। लैंड यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं क्या, हम नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, एक लैंड पे हम लोग बार 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 काम करेंगे तो क्या हम लोग को हमेशा उतना अच्छा फसल मिलेगा, हमेशा उतना अच्छा मिलेगा? एक टाइम के बाद जो हम लोग को रिटर्न मिल रहा है वो गिरने लगेगा, गिरने लगेगा। इन सेंस ये समझो कि एक बार हमको अगर 5 रुपया दिया, अगला बार 10 रुपया दिया, कितना का इंक्रीज है, 5 रुपया का, अगली बार 12 रुपया देगा, मात्र 2 रुपया का इंक्रीज, ठीक है? अच्छा, फर्टिलिटी क्या लैंड का हर जगह सेम है? नहीं। कहीं पे रबी क्रॉप्स का अच्छा खेती होता है, कहीं पे खारिफ का अच्छा खेती होता है। लेबर, फिजिकल और मेंटल दोनों लेबर होता है, हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ आर स्टडी फिजिकल को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। अभी जो लोग फिजिकल काम करते हैं वो लोग को कम पैसा मिलता है मेंटल के मुकाबले, ठीक है? सो फिजिकल क्या लेबर से, लेबरर से जो काम मेहनत कर रहा है उससे हम उसका लेबर छीन सकते हैं? नहीं। एक जो मुटिया है, जो सामान ढोता है, उससे हम छीन सकते हैं उसका ये हक? नहीं। क्या लेबर पेरिशेबल होता है? थकता तो है ना, बूढ़ा तो होता है ना। अच्छा, सप्लाई ऑफ लेबर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर वेजेस कम है तो वो ज्यादा खटेगा ताकि वो ज्यादा कमा पाए, और अगर वेजेस ज्यादा है तो उसका कम खटाई में पैसा मिल रहा है उसको उतना, वो क्यों ज्यादा खटे? बार्गेनिंग पावर लेबर के पास बहुत होता है क्या? फिजिकल लेबर का बात हो रहा है,
बिल्कुल नहीं सर, हमको सामान ढोवाने से मतलब है। तुम नहीं ढोएगा, मार्केट में 500 ऐसा आदमी और है जो सामान ढोने के लिए 100 रुपया लेने के लिए तैयार है। एफिशिएंट होता है क्या सारा लेबर एक समान? हर लेबर का एफिशिएंसी अलग होता है। कैपिटल, भैया कैपिटल वो चीज जो बिजनेस बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बिजनेस में लगाए, यानी कि पैसा, सिर्फ पैसा नहीं, अगर वो कोई कैपिटल एसेट लगा रहा है, अपना घर से कंप्यूटर लाके लगा रहा है, वो भी कैपिटल में गिनती आता है। जर्नल एंट्री हम लोग बचपन में पास करते थे, है ना? हाँ, ये सब जर्नल एंट्री बचपन में पास होता था, अब थोड़ा एडवांस आएगा। तो कैपिटल का क्या टूल फीचर्स है? सबसे पहले भैया कैपिटल में टूल्स एंड मशीन्स आता है। टूल्स एंड मशीन्स हर फैक्ट्री में जरूरी है, बिना टूल्स एंड मशीन का काम होगा? हम सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे कम खर्चा वाला फैक्ट्री का नाम बताए थे तुम लोग को, पानी वाटर वाला जो गैलन होता है, सबसे कम दाम में उसको लगा सकते। कल को तुम लोग मानो 5-6 लाख रुपया जमा कर लिया, पैसा कमाने का मन है, एक आदमी को लगाओ, एक रूम लो, उस आदमी को समझा दो सारा सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैठा दो, काम हो गया। ठीक है, इस चीज को समझो, कोई भी बिजनेस सेटअप होने के बाद हम लोग वेट करते हैं किसका? ब्रेक इवन पॉइंट का। कब मेरा लॉस होना बंद हो और प्रॉफिट होना चालू हो? कोई भी बिजनेस क्या पहला महीना से प्रॉफिट देगा? कभी नहीं, उम्मीद भी नहीं करना है। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस जो होता है उसमें कोई क्यों नहीं जाता है? दो रीजन है, एक तो वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल बहुत लगता है, दूसरा उसका ऑपरेशन पीरियड काफी लंबा है। जो तुम पैसा लगाया वो तुम रिकवर करते करते है, मानो तुम 500 करोड़ लगाया तो 500 करोड़ उठाते उठाते मालूम है 25 साल पार हो जाएगा। उसके बाद तुम जब 500 करोड़ एक रुपया कमाएगा 25 साल बाद तुम्हारा पहला प्रॉफिट आएगा। हम एग्जांपल भी दिए थे, पेटीएम आज तक लॉस में चल रहा है, ओला आज तक लॉस में चल रहा है, क्या हमेशा लॉस में चलेगा? नहीं, इतना हम लोग उम्मीद बना के बैठे हैं, आने वाला टाइम में ये लोग राज करने वाला है। फिर रॉ मटेरियल हो, सब कैपिटल से आता है। लेबरर को ज्यादा कैपिटल से पैसा काट के देंगे, कैपिटल से पैसा कटेगा और लेबर में जाएगा, कैपिटल से पैसा कटेगा और लैंड खरीदेंगे। ठीक है, जल्दी निकला कर खुशी बेटा, तू लेट कर देती है, तो जल्दी निकलो, थोड़ा कम लड़ो, जहां 5 मिनट लड़ रही है 2 मिनट में लड़के आ जाओ। ठीक है, अच्छा इम्प्लॉयमेंट, हाँ देखो, मानो मेरे पास कैपिटल हम लगाए 5 लाख रुपया, तो हम जो भी मशीन खरीदेंगे, टूल्स खरीदेंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, उसी कैपिटल का हिस्सा होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सेल होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा, फिर उससे होगा, है ना? पहले तो मेरा कैपिटल से खर्चा करना होगा हमको, जब पहला साल होता है बिजनेस का, जब तक सेल नहीं होता तब तक, तो कैपिटल जरूरी है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी स्टार्टिंग में खर्चा कैपिटल ही से देते हैं। ठीक है, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किससे हम लोग, किस पे निर्भर होता है हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कैपिटल पे। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का है कि वो ऑर्गेनाइज करता है एंड मैनेज करता है बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत खास बात बताते हैं, तुम इसको खरीद नहीं सकते। अभी तुम लोग अगर कोई बिजनेस माइंडेड होगा तो तुम लोग देखेगा मुनाफा हो रहा है ये काम में या नुकसान हो रहा है, बट एक एंटरप्रेन्योर देखेगा हमको कितना दिन में मुनाफा होगा। मानो बोला 2 साल, 2 साल में तुम प्रॉफिट कमाने लगेगा, तुमको पैसा अच्छा से मिलने लगेगा, और जो 2 साल तुम वेट किया वो वर्थ होगा जब तुमको पैसा मिलेगा। तो 2 साल बाद सीधे 2 लाख रुपया महीना मिलेगा, तो तुम खटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं? एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट ऐसा होता है। क्या एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागता है? वो वेल्थ के पीछे भागता है, कंपनी बड़ा हो। ठीक है, हमसे पूछा भी था हर्ष भैया कि भैया वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ इज नॉट प्रॉफिट। एक कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, शॉर्ट रन में ठीक है मस्ती कर रहा है वो, लॉन्ग रन में उसका प्रॉफिट काम नहीं आएगा। जो कमा के एसेट रखा है, गुडविल रखा है, सारा एसेट वो उसका वेल्थ है, वो काम आएगा। समझ में आ रहा है? कैपिटल हम पूंजी लगाते हैं, वो पूंजी धीरे धीरे उस पर काम होता है, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड पे काम हो रहा है, लेबर पे काम हो रहा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर पे काम हो रहा है, कैपिटल पे काम हो रहा है, धीरे धीरे वो कैपिटल लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वेल्थ देता है। ठीक है, ओके, तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली बिजनेस चलाता है, सब कुछ डिसीशन वही लेता है। मैनेजर, अगेन मैनेजर को तुम खरीद सकते हैं ना, तुम MBA किया हम तुमको मैनेजर बना लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तुम कहां से क्या कोर्स करके आएगे? कौन कॉलेज कोर्स कराता है एंटरप्रेन्योरशिप का? कोई नहीं, ये आपका क्वालिटी, आपके अंदर लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ये सब का क्वालिटी है कि नहीं,
मैनेजर एंड ऑन्टरप्रेन्योर आर टू डिफरेंट थिंग्स, बिजनेस मैन एंड ऑन्टरप्रेन्योर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना। ऑन्टरप्रेन्योर बहुत इज्जतदार चीज है, मेहनत लगता है, सेक्रीफाइस लगता है CACA में जैसे। ठीक है, अभी आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब, फंक्शन मतलब भैया कोई इक्वेशन होगा। अभी जितना हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़े जिससे प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, उसके आगे एफ लगा देते हैं, क्या निकल रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनी गुड्स प्रोड्यूस्ड। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट एंड अ गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ पीरियड, अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका कुछ अजम्पशंस था कि भैया एक, जब भी आप प्रोडक्शन फंक्शन का बात करेंगे कुछ टाइम के बेसिस पे बात होगा, ऐसी हवा में बात नहीं हो जाएगा। हमको बोलना होगा, हमको ये बताओ आने वाला एक साल का प्रोडक्शन फंक्शन तुमको क्या लग रहा है, बीता हुआ एक साल का प्रोडक्शन फंक्शन क्या लग रहा है। ऐसे नहीं पूछते तेरा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दैट पीरियड रिमेन सेम। टेक्नोलॉजी बदलेगा क्या? अगर हम उम्मीद बैठा रहे हैं कि आने वाला एक साल में मेरा क्या प्रोडक्शन होगा, तो हमको ये उम्मीद बैठाना होगा कि मेरा टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल होता है वेरिएबल और फिक्स्ड में, इसके बारे में आगे में बात हुआ है। और एंटरप्रेन्योरशिप आर यूटिलाइजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। ये एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है कि वो टेक्नोलॉजी का उत्तम इस्तेमाल करे, बेस्ट इस्तेमाल करे। प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन ऐसे कोई मतलब फिक्स टाइम है क्या भैया? नहीं, डिपेंड करता है इंडस्ट्री कौन सा है। अगर हम लोग मानो कैसे समझाए तुम लोग को, कोई ऐसा चीज जिसको बनने में बहुत टाइम लगता हो, रोल्स रॉयस, उसका प्रोडक्शन फंक्शन का बात करें, ठीक है, तो एक रोल्स रॉयस को 6 महीना लगता है, सोचो। और एट द सेम टाइम एक मोबाइल को तैयार होने में मैक्सिमम 5 से 10 दिन वो तैयार हो जाएगा। तो डिफरेंस है ना, है कि नहीं, दोनों का टाइम में। तुम कैसे बोल दे उसके लिए शॉर्ट रन क्या, इसके लिए शॉर्ट रन क्या, सबका इंडस्ट्री का अलग शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन मतलब कम वक्त, सिंपल वर्ड में एक नया कैपिटल इक्विपमेंट हमको लगाना है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर वो कैपिटल इक्विपमेंट मेरा लग जा रहा है, दिस मींस कि वो लॉन्ग रन है, क्योंकि शॉर्ट रन में इम्पॉसिबल है कैपिटल इक्विपमेंट लगाना। तुम खुद सोचो, तुमको एक मशीन खरीदना है जो कि 10 लाख का है, तुम खरीद लेगा 2-4 दिन में, टाइम लगता है ना, 10 लाख उठाओ, 10 जगह जाके चेक करो, मशीन आएगा, लगेगा, काम होगा उस पर, हम लोगों को सिखाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली शॉर्ट रन मतलब जब कैपिटल इक्विपमेंट ना लगा सके, वो टाइम है ही नहीं कैपिटल लगाने का, और कैपिटल लग गया, कोई भी कैपिटल असेट लग जा रहा है उस दौरान, तो उसको शॉर्ट रन बोलेंगे, नहीं लॉन्ग रन बोलेंगे। हम बताए थे कि फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल जो चेंज होता है। शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, लॉन्ग रन में तो सब वेरिएबल, जो बदलना चाहे बदलो, नया लैंड चाहिए ले लो, नया कैपिटल चाहिए ले लो, लेकिन तुमको हम बोलेंगे अभी कैपिटल चाहिए ले लो, मिल जाएगा शॉर्ट रन में, कम समय में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट रन के लिए हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन के लिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एट लास्ट CA वालों के लिए हम पढ़ाए थे कॉब डगलस, US का बंदा है, 2 ठो क्या बोला था कि 1/3 किसका काम होता है, लेबर का, मात्र 1/4 कैपिटल का काम होता है। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब पढ़ा है घर पे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है ना, इससे पहले 5 था। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब होता है, ये शॉर्ट रन में। जब भी शॉर्ट रन हो हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल और फिक्स वाला कॉन्सेप्ट किस में होता है, शॉर्ट रन में होता है। तो ये किसके लिए होगा, शॉर्ट रन के लिए होगा।
द लॉ स्टेट्स, द लॉ स्टेट्स एज वी इंक्रीज, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट विच इज कंबाइंड विथ, विच इज कंबाइंड विथ अदर फिक्स्ड इनपुट, अदर फिक्स्ड इनपुट्स। फुल स्टॉप। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इसको अपन बोल सकते हैं एमपीपी, विथ वेरिएबल, विथ वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन, मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। दैट इज एन इंक्रीज इन सम इनपुट। ए राहुल मिटा उसको। एन इंक्रीज इन सम इनपुट, यहां हम लिखवा रहे हैं वहां तुम खेल रहे हैं। गलती से हो गया था सर। तो लिखो, गलती करने के लिए उंगली उठा के लगाया होगा ना फोन में। एन इंक्रीज इन सम इनपुट रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड, रिलेटिव टू, म्यूट करो म्यूट करो, किसी का म्यूट है। रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड इनपुट्स, अदर फिक्स्ड इनपुट्स अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी causes the output to increase, causes the output to increase, but after a point the extra output resulting from, the extra output, the extra output resulting from same addition, same addition of such extra input, such extra input will become less and less, less and less. ठीक है, सब कॉपी करो।
ठीक है, सबको कॉपी होगी आई थिंक, नहीं हुआ वो रोक लेना। ओके, अभी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, अगर इस पेज में ज़्यादा जगह नहीं है तो नया पेज लेना, ठीक है। लिखो नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स, लिखो टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी, एपी एंड एमपी। ठीक है, पहले हम लोग टोटल प्रोडक्ट में डील करते हैं। ठीक है, लिख दो 1 से 8, नंबर ऑफ लेबर्स के नीचे में लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1 से 8 लिखो। अब मेरा बात को समझो, ठीक है। सोचो कोई एक काम है, उसमें अगर हम एक बंदा को लगा रहे हैं तो वो उस जो प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, आदमी लोग मिलकर बनाता है उस प्रोडक्ट को, अगर हम एक बंदा को लगा रहे हैं उस काम में तो वो 10 पीस, मानो आयरन का बता रहे हैं, आयरन घर में करते हैं ना कपड़ा पे, स्त्री आयरन वाला, स्त्री लड़की वाला स्त्री में, ठीक है, वो एक बंदा 10 पीस बना रहा है, ठीक है। जैसे हम दो बंदा लगाएंगे तो कितना बनेगा, दिल बोल रहा भैया 20, लेकिन देखा जाए तो उससे ज्यादा बनाएंगे क्योंकि दो लोग है, एफिशिएंसी थोड़ा इंक्रीज होगा दो लोग जब काम करेंगे तो, ठीक है। तीन लोग लगाएं और बनेगा भैया 36, ठीक है। जैसे चार लोग लगाएं 48, जैसे पांच लोग लगाएं 55, जैसे छह लोग लगाएं 60। एक ऐसा टाइम आएगा ना 7 लोग पे भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि इतना आदमी का जरूरत है ही नहीं जितना आप लगाते जा रहे हैं। हम लोग एक कहावत पढ़ते हैं, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। तुम लोग सोचो एक पाव भाजी को 12 आदमी मिलकर बना रहे हैं, वो कैसा पाव भाजी बनेगा, अच्छा बनेगा क्या, नहीं, खाना बेकार हो जाएगा भैया, क्योंकि एक काम में जितना जन का जरूरत है उतना ही जन को लगाना चाहिए। अभी यहीं पे बैठ के हम पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ एक और टीचर है जो यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और एक और टीचर है जो यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कैसा लगेगा 3 टीचर के साथ एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना, खराब लगेगा। तो अगर ज्यादा होते जाएगा तो जो टोटल प्रोडक्ट है उसका भी क्वालिटी गिरेगा, है कि नहीं। पहले जहां पे 60 आयरन बन रहा था, हम ज्यादा आदमी अगर लगा देंगे तो वो गिरने लगेगा, 100 आदमी लगा देंगे तो हो सकता है भैया कुछ बने ही ना, खाली खर्चा और सब बर्बाद हो, ठीक है। ये कोई भी तुम लोग सेक्टर में काम करेगा, जब फ्यूचर में जॉब करेगा, तुम लोग को दिमाग में रखना है कि जब हम कोई लेबर लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हमको ये पॉइंट जानना है जब मैक्सिमम मिले हमको। कैसे पता चलेगा, मानो तुम 7 लेबर लगाया, नहीं 6 लेबर लगाया, 60 यूनिट ऑफ आयरन बना, जैसे ही 7 लगाया अभी भी 60 बन रहा, समझ जाओ इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक सीए या फिर सीएमए करके बनेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, भैया 7वां लेबर को हटा देंगे, एडिशन हो रहा है क्या 7वां को लगा के, कुछ फायदा हो रहा है हमको, तुम क्यों रखे एक्स्ट्रा आदमी भाई, मेरा 6 में भी 60 पीस बन रहा है, 7 में भी 60 पीस बन रहा है, तुम क्यों रखे एक्स्ट्रा आदमी, नहीं रखेंगे, ठीक। ये था कहानी टोटल प्रोडक्ट का, टोटल कितना बन रहा है। हम लोग अब समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट एडिशन, एक और, याद करो एक और सिंघाड़ा खाए कितना यूटिलिटी मिला, एक और सिंघाड़ा खाए कितना यूटिलिटी मिला, बात किए थे ना हम लोग, जो लोग वो क्लास अटेंड किए थे। यहां पे भी समझो, एक आदमी लगाए, ठीक है, एक आदमी लगाए हमको कितना मिला प्रोडक्ट,
10। अच्छा एक और लगाएं, कितना एक्स्ट्रा मिला? 12 मिला ना, 22 माइनस 10। एक और आदमी लगाएं, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 14। ठीक है चलो एक और एक्स्ट्रा लगाएं, 12 हो गया भैया। मतलब कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां से लेके यहां तक कैसे इंक्रीज हो रहा था? इन अ इंक्रीजिंग रेट, देखो बढ़ ही रहा था हम लोग का प्रोडक्ट बनने का रेट, लेकिन जैसे ही ये स्टेज में पहुंचे क्या हुआ? गिर गया। एक और आदमी लगाओ, एक और भैया, अब तो और कम, 7 का फायदा हो रहा है। देखो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, जब हम एक आदमी लगाए थे हम 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, जैसे एक और लगाए हमको 12 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला, जैसे एक और लगाए हमको 14 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला, जैसे एक और लगाए अब 12 ही मिला। ठीक है, समझ रहा है डिफरेंस? ओके, हम टोटल प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहे, हम मार्जिनल प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा लगाने पे कितना एक्स्ट्रा सामान बन रहा है। उसके बाद 5 एक्स्ट्रा, उसके बाद 0, और उसके बाद तो माइनस में चल गया भैया, कम बनने लगा। इज इट क्लियर टिल हेयर? ठीक है, तो हम लोग यहां से यहां तक एक स्टेज, यहां से यहां तक एक स्टेज, और यहां से आगे जो है एक स्टेज, तीनों को 1, 2 और 3 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तुम लोगों को कॉपी करना बेटा, तुम लोग सब मेरे को देख रहा बैठ के। हाँ हम लोग 3 स्टेज के बारे में बात की है कि भैया आप जो टोटल प्रोडक्ट बनाए, हमको समझ में आया कि जब ज्यादा बंदा को हम एक ही काम में लगाएंगे तो मेरा काम बेकार होने लगेगा। हमको देखना है कि वो स्टेज कौन सा है। अगर हम टोटल प्रोडक्ट को देखते हुए समझें तो जैसे ही इक्वल हुआ हम एक्स्ट्रा आदमी क्यों लगाएं? 6 आदमी पे भी 60 पीस बनेगा, 7 आदमी में भी 60 पीस बनेगा, तो हम 7वां को क्यों लें? कोई फायदा थोड़ी हो रहा है हमको। और यही चीज को अगर हम मार्जिनल में देखें तो 3 स्टेज निकल गया भैया। पहला स्टेज जब मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था एट एन इंक्रीजिंग रेट, देखो 10, 12, 14 बढ़ रहा है। फिर अगला स्टेज में मेरा प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, देखो गिरने लगा, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम अपन देखें तो 36 से 48 ज्यादा बना, 48 से 55 ज्यादा बना, कितना ज्यादा बना? 12, 7, यहां पे अंतर आ रहा है। देखो पहले बढ़ रहा है प्लस कितना 2, फिर प्लस 2, फिर -2, फिर -5, तो यहाँ पे बढ़ रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट बढ़ रहा है। इसको समझने के लिए डिमिनिशिंग रेट वाला तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग एग्जाम में मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। केजी से 5 तक भैया हम केजी में 80 लाए, ठीक है, 1 में आए 83 लाए, 2 में आए 87 लाए, ठीक है, अभी अच्छा बढ़ रहा है, 80 से 83 3 मार्क्स बढ़ा, 83 से मानो 87 कितना 4 मार्क्स बढ़ा। लेकिन फिर जैसे ही हम अगला क्लास गए हम 90 लाए, कितना मार्क्स बढ़ा? मात्र 2 मार्क्स बढ़ा। तो ये जो 2 मार्क्स बढ़ा, गिर गया, मार्क्स बढ़ने का जो रेट था वो गिर गया। दिस इज डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ तो रहा है लेकिन जैसे पहले तेजी से बढ़ रहा था अब वैसे नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ने का रेट मेरा गिर गया है। ये कॉन्सेप्ट क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी ऑनलाइन यो करो, सबको ये बात समझना अनिवार्य है, जरूरी है। श्रेया श्रुति तुम लोगों को समझ में आ गया? गुड, किसी को डाउट होगा पूछ लेना। ओके ठीक है, अभी अपन ये पूरा एक पेज ले लिया होगा तुम लोग का, ठीक है, अपन एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज भैया थोड़ा ऊपर कीजिए। अच्छा ठीक है, रुको कर रहे। हेलो हेलो, ये पूरा कहानी को अब अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबको कॉपी में बना लो ग्राफ।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अरे अभी तो पढ़ाएंगे, पूरा लॉ बताए कहाँ है तुमको, थ्योरी रिपीट करने बोल रहा है। कर देंगे, रुको, तुमको हम नोट्स भिजवा देंगे, ठीक है? नोट्स हमको याद दिलाना, या फिर किसी भी फ्रेंड से अपना मांग लेना, ग्रुप में मैसेज करना, कोई भी भेज देगा। ये क्या होता है? ये अच्छा, ये जो ऐसे खड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। और जो लेटा रहता है? हॉरिजॉन्टल। याद रखना इस चीज को, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अभी हम लोग जितना सामान सीखें, जितना बात सीखें, उससे क्या समझ में आया कि भैया इसका हम ऊपर के बेसिस पे पूरा नहीं बना रहे, इसका हम जो यूनिवर्सल ग्राफ है वही समझा दे रहे तुम लोग को। देखो, ऐसे बढ़ रहा है फिर ऐसे हो रहा है, ये क्या है? कैसे पता टीपी है? एक बार तुम लोग सब वो टेबल जो हम लोग बनाए देखो, टीपी में क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर इक्वल होके गिरने लग रहा है। तो ये भैया हम बोल सकते हैं देख के कि टीपी होगा, ठीक है? ओके। फिर एक है जो बढ़ रहा है और फिर गिर रहा है, ये क्या होगा? एपी होगा। कैसे बोला तुम लोग एपी ही होगा? वेरी गुड। अगर एमपी रहता तो माइनस में चले जाता। देखो, जैसे मानो एमपी है, तो एमपी ऐसे बढ़ा है, ठीक है, और फिर धत ऐसे गिर गया, ये है एमपी। देखो, ये जो होता है ना, अगर तुम लोग बचपन में अच्छा से पढ़ा होगा तो ऐसा होता है असल ग्राफ। हम लोग ग्राफ का ना सिर्फ ये हिस्सा पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी प्लस माइनस वाला किस सिस्टम याद है बताओ, यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ, यहाँ, प्लस, यहाँ, ऐसा होता है। तो हम लोग कौन सा हिस्सा उठाते हैं? सिर्फ प्लस वाला, है ना? अभी मानो कोई चीज है जो इधर गिर रहा है, तो यहाँ कौन सा हिस्सा है? तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो माइनस में गिरा। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है? खाली इस पे ध्यान दो। ये ग्राफ हम लोग अगर बैठ के समझें तो वहां से डिराइव कर देंगे, ठीक है, जो अपन हम लोग सीखे हैं अभी। ओके। तो हम लोग देखे, अगर तीन स्टेज में बात हुआ था, पहले इस ग्राफ को बना लो अच्छे से। देखो, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखें, मतलब घूमना कब चालू कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ग्राफ घूमना कब चालू कर रहा है, टीपी यहां से चालू हो रहा है, ठीक है? तो ये हम लोग ऐसे एक खींच दिए कि भैया टीपी यहां से घूम रहा है, एमपी यहां से घूमना चालू हो रहा है, तो यहां जहां से घूम रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से एक लकीर खींच दिए डॉट 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 करके, और एपी यहां से घूमना चालू हो रहा है तो यहां से भी एक लकीर अपन खींच दिए, ठीक है? चलो, इस लकीर को हम लोग टीपी से भी जोड़ देते हैं, ठीक है? और ये है फर्स्ट स्टेज। ओ भाई, ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, और ये है थर्ड स्टेज। कैसे है हम समझाएंगे, पहले लिख लो। बात करते हैं रिश्ता का,
रिलेशनशिप इसका रिश्ता का, टीपी एमपी और एपी का, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं एपी और एमपी में क्या रिश्ता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिश्ता है। व्हेन एपी राइजेस, जब एपी राइज हो रहा है, मार्जिनल प्राइस क्या हो रहा है, देख के बताओ तो ग्राफ में, मार्जिनल प्राइस भी राइज हो रहा है। अच्छा चलो ग्राफ से नहीं, टेबल से देख के बताओ, जब एपी राइज हो रहा है तो मार्जिनल प्राइस एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, दोनों जगह से वही चीज हो रहा है। तो व्हेन एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस एट अ फास्टर रेट, जल्दी जल्दी हो रहा है, देखो दोनों में जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है ना, ठीक है। तो इससे क्या सीखे अपन, देयरफॉर एमपी विल बी, यहां पे देखो ग्राफ में ग्रेटर है कि नहीं है, एपी नीचे में, ब्लू वाला नीचे में है और रेड वाला ऊपर में, राइट, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी, है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो तीनों स्टेज है ना, ये हम मार्जिनल प्राइस और एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बेसिस पे तुम लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, एक सेकंड, टू से पहले ब्रैकेट में लिख लो, एपी राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ, एपी राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। अब लिखो टू, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी सबसे ज्यादा है, ग्राफ देख के बताओ तो क्या हो रहा है, ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा, टेबल देख के बताओ क्या हो रहा है, देखो ग्राफ पे लिखा, वेरी गुड, देखो एपी सबसे ज्यादा कब है, तो हम लोग एक मिनट को ऊपर आते हैं, और एपी मैक्सिमम कहां पे, तीन नंबर पे 12 है और एमपी भी 14 है, इससे हम लोग क्या समझ रहे पता है, जब एपी मैक्सिमम होता है तब एमपी भी मैक्सिमम होता है, व्हेन एपी इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट दोनों सेम होगा, देख दिखाते हैं, 12, एक सेकंड सॉरी यहां वाला 12 ले रहे हैं, 12 सेम है कि नहीं, तो व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज आल्सो इक्वल टू एपी, यहां से क्या स्टार्ट हो गया था, सेकेंड स्टेज देखो ब्रैकेट में डाल के रखे, नंबर वन में जो पॉइंट लिखा है एपी इंक्रीज हो रहा है एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, क्या था वो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है, जब एपी मैक्सिमम एमपी भी मैक्सिमम, वहां से स्टार्ट हुआ सेकेंड स्टेज। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, व्हेन एपी फॉल्स, एपी गिर रहा है, क्या हो रहा है एमपी का, देखो टेबल देख लो ग्राफ देख लो, एपी गिर रहा है, एमपी का क्या हो रहा है, एमपी एमपी भी गिर रहा है, एमपी आल्सो फॉल्स, एमपी आल्सो फॉल्स, बट देखो एपी गिरा, कितना गिरा, 1 गिरा, जबकि 7 से 5 ये कितना गिरा, एपी कितना गिरा, 1 गिरा, ये कितना गिरा,
एट अ फास्टर रेट गिर रहा है कि नहीं एमपी? ठीक है, बट व्हेन एपी फॉल्स एमपी आल्सो फॉल्स, बट एमपी ज्यादा फास्ट गिर रहा है, तो बट एट अ फास्टर रेट। ठीक है, नीचे लिख दो नोट, एमपी कर्व मस्ट कट द एपी कर्व, कट द एपी कर्व वेयर, देख के बताओ एमपी कहां पे कट कर रहा है एपी को। ऑनलाइन वाला बच्चा तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो, ग्राफ देखो बताओ कहां पे कट कर रहा है एमपी एपी को, जब एपी और एमपी इक्वल है। जब हाँ एपी और एमपी इक्वल कब होता है? जब एपी हाईएस्ट होता है, वेयर एपी इज हाईएस्ट। ठीक है, वेरी गुड रितिका। टीपी से बात ही नहीं कर रहे ना हम लोग, देखो एमपी और एपी और एमपी का खाली बता रहे तुम लोग को, टीपी को बीच में नहीं ला रहे हम। टीपी को क्यों बीच में नहीं ला रहे पता है? तुम लोग देखना, तुम लोग का बुक में टीपी को भी ला दिया होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मेरा एपी और एमपी किससे जन्म ले रहा है? टीपी से। तो अगर हम एपी और एमपी का बात करेंगे ऑटोमेटिकली टीपी का समझ में आने लगेगा। ये सब चीज पे ना तुम लोग को केस स्टडी नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। व्हेन इज एपी मैक्सिमम? व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। ठीक है, what happens when AP falls? MP also falls at a graph copy कर लो, जो नहीं किया कर दे, रुक graph copy कर लो। ठीक है, एक number point एक बार गो थ्रू करो इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सबसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन वाले भी, इस पूरे बात को गो थ्रू करो। दिस लॉ ऑपरेट्स इन थ्री स्टेजेस। पहला स्टेज में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसमें लिखो दिस स्टेज, इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, दैट इज विथ every addition in input, output, comma, देखे output rises at a faster rate. सवाल उठता है भैया ये समझ में आ गया, टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एट एन इंक्रीजिंग रेट हो रहा है, दिल में किसी का उठ रहा है ऐसा क्यों? लिखो द फर्म एक्सपीरियंसेस दिस बिकॉज,
दिस बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर्स आर, क्या लगता है पहला स्टेज में फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा होता है या वेरिएबल फैक्टर ज्यादा होता होगा? फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, तो जब फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा होता है तब रिटर्न ज्यादा मिलता है। फिक्स्ड फैक्टर आर लार्जर देन वेरिएबल फैक्टर, ये रीजन है वेरिएबल फैक्टर ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो ज्यादा है। ठीक है, अब आओ स्टेज टू। लॉ ऑफ कौन सा, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग का मतलब बढ़ रहा है बट वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है जैसे पहले बढ़ रहा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज विथ इंक्रीज इन इनपुट With increase in input, the TP is rising. The TP is rising, but at a diminishing rate. I hope सबको diminishing का मतलब पता है। ये क्यों हो रहा है? लिखो the firm experiences this due to variable factor exceeding the fixed factor. Exceeding the fixed factor. फुल स्टॉप। स्टेज थ्री, लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है आखिर में, तीसरा स्टेज में गिरने लग रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। देखो इन दिस स्टेज द टीपी डिक्लाइंस कॉमा एपी डिक्रीजेस एंड एमपी का तो सबसे बेकार हालत होता है। क्या होता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये होता है, क्यों होता है, लिखो द फर्म एक्सपीरियंसेस, द फर्म एक्सपीरियंसेस दिस ड्यू टू एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है फिक्स से। तुम ही लोग सोचो, तेरे केटरिंग मतलब जानता है सबको ही है ना, केटरिंग का काम, दो स्टोव रखा हुआ है और 500 आदमी है, दो स्टोव वो फिक्स्ड है, वो तो एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, आदमी घटा बढ़ा सकते हैं हम, 500 आदमी दो स्टोव पे काम करेगा, काम अच्छे से होगा? तो जब इतना ज्यादा बढ़ गया तो रिटर्न तो बेकार मिलेगा, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है बेकार में, राइट? और वही दो स्टोव एक आदमी है मिलेगा प्रोडक्ट, धीरे मिलेगा, दो आदमी लगाए तेज मिलेगा,
मानो तीन आदमी लगाए, चार आदमी लगाए, वहां तक कहानी ठीक है, लेकिन जब एकदम ज्यादा होता है ना तो हम लोग का ही नुकसान होने लगता है। ठीक है, यही सारा चीज जो हम पढ़ाएं इसका एक छोटा सा समरी नोट बना देते हैं एग्जाम से पहले, यही समरी नोट देखना। भैया हाँ, स्टेज वन में आप लिखा है कि फर्म एक्सपीरियंस दिस बिकॉज़ फिक्स्ड फैक्टर आर लार्जर देन वेरिएबल फैक्टर, लेकिन स्टेज वन में तो टीपी इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर हम वेरिएबल फैक्टर हम बढ़ाएंगे तभी ना मेरा टीपी इंक्रीज होगा। वेरिएबल फैक्टर तो बढ़ा रहे फर्स्ट स्टेज में, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा है। तुमको बोले ना, तुम मानो तुम्हारे पास पांच स्टोव रखा हुआ है, पांच गैस का चूल्हा, और काम करने वाला आदमी तीन है, तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे। लेकिन पांच ही स्टोव है और हम खाना बनाने के लिए छह आदमी को रख दिए, इंक्रीज होगा क्या? वो पांच स्टोव को समझो फिक्स्ड फैक्टर, और वो जो हम लोग आदमी बदल रहे हैं वो है वेरिएबल फैक्टर। अब दिमाग लगाओ, जब तक फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर से ज्यादा है बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज करके रिटर्न मिलेगा। जैसे ही इक्वल होगा, रुको यार, जैसे ही चालू कर देंगे बढ़ाना, हम लोग का जो इनपुट जो आउटपुट है वो गिरने लगेगा, और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव में जाने लगेगा। क्या बट मेरा सेकेंड स्टेज में भी तो बढ़ रहा है ना? स्टेज में बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है? देखो, सेकेंड स्टेज में मेरे वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो गया, पांच स्टोव है, पांच आदमी लगा दिए, ये फर्स्ट स्टेज। जैसे ही पांच स्टोव पांच आदमी हो गया, हम देखें कि क्या मेरे और आदमी लगाने से काम अच्छा से होगा। तो मेरा दिमाग में बात आया कि हाँ, मानो दो तीन आदमी लगा दे जो ध्यान रखे कि गैस खाली ना हो, दो तीन आदमी लगा दे कि पाइप वगैरह ढीला नहीं हो रहा है, सब काम बर्तन उर्तन पक रहा है, तो काम बढ़ेगा। लेकिन फिक्स फैक्टर कम है, स्टोव कम है और आदमी ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिटर्न मिलेगा उतना अच्छा से नहीं मिलेगा जितना अच्छा से अभी तक मिल रहा था। और जब ऐसा हो कि 50 आदमी लगा दें सिर्फ पांच स्टोव पे, तो कितना आदमी बेकार में बैठा रहेगा, या फिर कितना लड़ाई झगड़ा होगा कि मेरे को बनाने दो, मेरा काम करने दो, ये वो, है ना, हम इतना देर से कर रहे हैं अब तुम करो। यहाँ पे रिटर्न कम हो जाएगा। समझ आया आप? क्या दिक्कत है? आराम से राहुल पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास, तेरा डाउट क्लियर करना जरूरी है। समझ आ गया भैया? आ गया ना, गुड। लिखो स्टेज ऑफ ऑपरेशन। अ रैशनल प्रोड्यूसर मतलब जिसका दिमाग ठीक है, विल नेवर ऑपरेट एट स्टेज। तुम लोग को प्रोड्यूसर बना रहे, तुम लोग के सामने तीन स्टेज रखा हुआ है, तुम लोग बताओ तुम लोग किस में काम नहीं करना चाहेगा? सिर्फ थर्ड में? सेकंड में भी नहीं करना चाहेगा? तुमको एक बात समझा रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में हम लोग के पास कितना गैस चूल्हा था? पांच, और लेबर कितना था? तीन। फर्स्ट स्टेज में लेबर कम है तो मेरा दो चूल्हा तो बेकार जा रहा है ना। तुम लोग फर्स्ट स्टेज में अब रहेगा, तुम लोग क्या चाहेगा? कम से कम पांच आदमी लगाए, जिसके लिए हम लोग को क्या, फिक्स्ड फैक्टर इज इक्वल टू वेरिएबल फैक्टर। देखो यहां पे देखो, पांच, एक दो तीन चार, मानो चार चूल्हा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया, कौन सा स्टेज? फर्स्ट स्टेज। एक और आदमी खड़ा कर दिया, अभी भी कौन सा स्टेज है? देखो फिक्स्ड ज्यादा है ना, वेरिएबल अभी तक कम है, एक और आदमी खड़ा कर दिया, सेकंड स्टेज में घुस गए। हम लोग को ये स्टेज चाहिए ना, है कि नहीं? देखो इंक्रीजिंग रिटर्न देख के हमको भी यही लगता था पहले, अरे हम तो फर्स्ट स्टेज में जाएंगे, क्यों जाएंगे सेकंड स्टेज में? जब ये बुद्धि लगाए हम कि मेरा कितना फिक्स फैक्टर बेकार जा रहा है, दो चूल्हा मेरा बेकार जा रहा है, हम आदमी लगाएंगे तो ज्यादा खाना बनेगा ना, हम ज्यादा खाना बिकेगा, तो ये लोग कब ऑपरेट नहीं करना चाहेंगे? एट स्टेज वन एंड थ्री, है कि नहीं? दस द स्टेज ऑफ ऑपरेशन इज स्टेज टू। ठीक है, एग्जाम में पूछा तुमको कहां काम करना है, कौन सा स्टेज में काम करना है, स्टेज टू में काम करना है। स्टेज वन से शुरू करके स्टेज टू में पहुंचना है, और कब, कहीं कभी नहीं पहुंचना है मेरे को एक जगह पे, वो है स्टेज थ्री। वहां पे अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, जनरली ये सब काम कॉस्ट अकाउंटेंट देखते हैं, ठीक है, बहुत कम
टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस फील्ड में डाला जाता है। मानो कोई कॉस्ट अकाउंटेंट फिर भी लेबर लगाया जा रहा था, वो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है? बेवकूफ है, क्लासेस नहीं किया था ठीक से, ठीक है। तो स्टेजेस टीपी एमपी यानी एपी एमपी रीजन, इस चीज का अगर हम लोग ऐसे एक छोटा सा टेबल बना लें तो कितना स्टेज है, स्टेज 1 2 3, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, 1 एक लाइन छोड़ो, 2 एक लाइन छोड़ो, 3। 1 में टीपी क्या होता है, बढ़ता है, एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिक्स्ड फैक्टर क्या है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है। सेकंड स्टेज में टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एपी क्या हो रहा है, देख के बताओ, हमको देख के ऐसे कर रहा है, तुम लोग से ना पूछा, एपी क्या हो रहा है सेकंड स्टेज में, गिर रहा है, और एमपी वो भी गिर रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट हो रहा है टीपी, इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ने लगा फिक्स्ड फैक्टर के मुकाबले, है कि नहीं। एक काम करो, ऐसे मत लिखना तुम लोग ऐसे ही लिख लेना, फिक्स्ड फैक्टर इज लेस देन वेरिएबल फैक्टर। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी भी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है, मार्जिनल तो नेगेटिव हो गया, यहां पे एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर लगा दिए हैं इसीलिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हम तुम लोग को 5 मिनट का एक ब्रेक दे रहे हैं, ऑनलाइन वाला बच्चा ऑन रहेगा, कहीं जाना मत, जिसको फ्रेश होना है मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, इसके बाद स्टार्ट हो रहा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक। भैया एक बार वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं समझ आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम बताए ना तीन स्टेज के बारे में, कि वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब देखो सिंपल वर्ड में हम एकदम समझा रहे हैं, दो टाइम का बात हुआ, एक हुआ शॉर्ट रन का बात, एक हुआ लॉन्ग रन का बात। वेरिएबल वाला फैक्टर कहाँ पे रहेगा, शॉर्ट रन में, उसी में ना रहेगा कि भैया ये फिक्स्ड है ये तो नहीं बदल सकते, ये चीज बदल सकते। अभी शॉर्ट रन में एक लॉ का हम लोग को ध्यान रखना है कि वो जो चीज तुम बदल रहा है ना कितना बदलना है ध्यान रखो। मानो तुम्हारे पास फिक्स्ड फैक्टर 5 चूल्हा है जिसपे खाना बनेगा, तुम एक आदमी रखा हुआ है, जैसे तुम 1 से 2 करेगा तुमको फायदा होगा और बहुत फायदा होगा, 2 से 3 करेगा फायदा होगा बहुत फायदा होगा, लेकिन अभी भी 2 चूल्हा बेकार पड़ा हुआ है, सिर्फ 3 में काम हो रहा है, 3 से 4 करेगा फायदा होगा, 4 से 5 करेगा फायदा होगा, हम चाहते हैं कम से कम 5 हो, ठीक है। अभी 6 कर दिए, 7 कर दिए, ठीक है आदमी लोग ध्यान रखेगा, पाइप तो नहीं खुल रहा है, बर्तन पकड़ाने में मदद करेगा, फायदा हो रहा है, लेकिन 5 चूल्हा में 50 आदमी, बहुत ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा दिए सर आप, बेकार है अब तो काम, आपका काम नहीं होगा, नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये है तीसरा स्टेज। दूसरा स्टेज जब वेरिएबल फैक्टर ज्यादा है थोड़ा सा फिक्स्ड फैक्टर से, वहां पे काम अच्छा होता है। और पहला स्टेज जब फिक्स्ड फैक्टर कम है वेरिएबल फैक्टर से, 5 चूल्हा है लेकिन आदमी काम करने के लिए 3 है, तो काम तो होगा, रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन वो अभी भी वेस्ट है मेरे पास 2 सामान, उसका ध्यान रखना है। ये है लॉ कि कितना आदमी वेरिएबल मतलब चेंज करना, कितना चेंज करे भैया, कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा, ये लॉ को ध्यान में रखते हुए, ये टेबल को बनाते हुए कि हम 1 लेबर लगा रहे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 2 लेबर लगा रहे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, मेरा एवरेज पे क्या असर पड़ रहा है, मेरा मार्जिनल पे क्या असर पड़ रहा है। अब समझ में आया राहुल? यस भैया। गुड, कॉन्सेप्ट नंबर 7 ना, कॉन्सेप्ट नंबर 7, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये कब होता है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में क्या था, वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है।
लिखो द लॉ स्टेट्स एज वी इंक्रीज ऑल फैक्टर्स। लॉन्ग रन में तो सारा इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी है जो फिक्स्ड है, अरे कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुमकिन नहीं है बढ़ाना, सब बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज स्केल इन अ गिवन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन द आउटपुट इंक्रीजेस, देन बिकम्स कॉन्स्टेंट, एंड देन डिक्रीजेस। द लॉ स्टेट्स एज वी इंक्रीज ऑल फैक्टर्स दैट इज स्केल इन अ गिवन प्रपोर्शन द आउटपुट इंक्रीजेस देन बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। अकॉर्डिंगली द लॉ ऑपरेट्स, इन थ्री स्टेजेस। ये वाला लॉ भी जो है तीन स्टेज में काम करेगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, ओके। अभी देखो इस लॉ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तुम लोग को। इसका जैसे हम तुम लोग को टेबल बनवाए ना, वो बनवाएंगे, ठीक है। उसका ये रीजन है कि उस टेबल में तो हम लोग बढ़ा रहे थे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे स्केल बदलेगा, ठीक है। देखिए एक बार, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम तुम लोग को दिखाते हैं सीएमए का जो नोट्स है वो, यहाँ पे ना हम लोग का यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या होता है लॉन्ग रन में, सब कुछ, कुछ भी फिक्स्ड है, कुछ भी नामुमकिन है बढ़ाना नहीं, जो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे वक्त रखना है स्केल का, ठीक है। ये मानो ए एक स्केल माने हम, बी एक स्केल माने, स्केल मतलब रूलर नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे स्केल का मतलब है कैसे समझाएं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि पहले 10 कट्ठा जमीन में बना रहे हैं, अब जमीन को बढ़ा दिए, या फिर पहले ये एक ही काम 6 महीना में हो रहा था, अब उसी काम को हम कम टाइम में करने लगे। मतलब मेरा प्रोडक्शन का जो स्केल है, जो कैसे समझा, डायामीटर है, वो बढ़ा रहे, ठीक है। पहले 20 बनाते थे, 50 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 500 बनाएंगे, यहाँ पे स्केल का बात हो रहा है। तो अलग अलग स्केल लिए, पहला स्केल लिए मानो हम ए के नाम से, ठीक है। पहला स्केल लिए ए के नाम से, ए में क्या बोला, ए का स्केल में कि एक जमीन ले लो, वहां पे 2 लेबर लगा दो, एक जमीन लो वहां पे 2 लेबर लगा दो, भाई चूल्हा वाला एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एक जमीन ले लो, नहीं चूल्हा नहीं, यहाँ पे कल्टीवेशन समझते हैं, बेटर होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। एक जमीन लिए, वहां पे 2 आदमी लगाए, मेरे को कितना कम टोटल प्रोडक्टिविटी मिला। चलो 2 जमीन ले लो और 4 आदमी लगा दो, भैया ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, 10 मिलने लगेगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम एक जमीन में 2 आदमी लगाएगा तो 4 को क्रॉप मिलेगा, समझने के लिए मानो 4 क्रॉप मिला, 2 आदमी, 2 जमीन, 2 जगह हम जमीन खरीदे, 4 आदमी को इंप्लॉय कर दिए वहां पे, अब 10 मिलने लगा, और जमीन खरीदे, 3 जमीन खरीद दिए, आदमी भी बढ़ा दिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ।
चलो और जमीन खरीदे, चार जगह जमीन खरीद लिया, आठ आदमी लगा दिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। अब पांच जमीन खरीदे, दस, इंक्रीज हुआ। छह जमीन, बारह आदमी, इंक्रीज हुआ। सात जमीन, चौदह आदमी, इंक्रीज हुआ। आठ जगह जमीन, सोलह सोलह आदमी, इंक्रीज हुआ। नौ जमीन, सोलह आदमी, इंक्रीज हुआ। यहां पे तो भैया बढ़ते ही जा रहा है, गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर है क्या? दोनों तो बढ़ रहा है, जो फिक्स्ड रहता है असल में, लैंड असल में माना जाता है कि फिक्स्ड है, वो भी तो हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग रन है। तो यहाँ तुम अगर दोनों चीज बढ़ाएगा और अच्छे से काम करेगा उस पर, तुमको गारंटी रिटर्न मिलेगा लंबे समय के अंदर में, ठीक है। असल में फर्क कहाँ पड़ता है समझो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। जैसे तुम एक जमीन और दो आदमी लगा रहा था, कितना का इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर तुम यहां पे बी से सी में गया, कितना का इंक्रीज हुआ। फिर एक टाइम आया कि जीरो का इंक्रीज हुआ, मतलब कि देखा जाए तो कोई फायदा हो रहा है कि नया जमीन और नया खरीद के, बस हम बड़ा कर रहे हैं अपना बिजनेस। मेरा बिजनेस अलग अलग जगह, पहले हम झरिया में थे, धनबाद में थे, अब हम कलकत्ता, पटना, बिहार सब जगह जाना चाह रहे हैं ये वाले स्टेज में, तो मेरे को फायदा नहीं हो रहा है कुछ खास। मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एट लास्ट में उसी लेवल का बन रहा है, एडिशन उतना ही हो रहा है, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि जब तुम ज्यादा खरीदने लगेगा ना जगह, इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को बताते हैं, सीसीडी, कैफे कॉफी डे, कोई गया आज तक? नहीं गया, गरीब लोग। सीसीडी काफी महंगा है बट हम कोलकाता में थे तो कोलकाता में हमको कूपन मिला था तो हम चल गए थे और खूब खाए थे, लूट लिए थे सीसीडी को, ठीक है। तो क्या होता है, सीसीडी पहले एक जगह खुला, वहाँ काम कर रहा, दस आदमी को लगा के, फिर बोला हम दूसरा जगह खुलेंगे, वहाँ भी आदमी को लगाया, दस आदमी को, काम चालू किया, तीन चार पाँच ऐसे करके सब जगह काम चालू किया। तुमको क्या लगता है बहुत ज़्यादा ही कुछ फ़ायदा हो रहा हो इन लोग को? एक टाइम आया जब ये लोग का फ़ायदा नॉर्मल हो गया, सीसीडी, डोमिनोज, ये लोग का फ़ायदा नॉर्मल हो गया, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी था, जो आउटपुट निकल रहा था, पहले मानो पिज्जा डोमिनोज में चार पिज्जा मिल रहा था, धनबाद में दो आदमी को लगा के, फिर धनबाद में ही हम दो जगह पे डोमिनोज खोले, चार आदमी लगा दिए, तो अब छह पिज्जा ऑब्वियसली ज्यादा बनेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि धनबाद में चार आदमी है, चार जगह जमीन है, धनबाद में ही चार सेंटर खोल दिए डोमिनोज का, आठ आठ आदमी लगा दिए, उतना ही बनेगा बाहर, बनेगा तो उतना ही ना, दस 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 बन रहा हर जगह, उतना ही बनेगा एक टाइम पे। और एक टाइम आएगा कि अब ज्यादा आदमी लगा दो, बनाना ही नहीं चाहेगा, क्यों? कॉमन सेंस भैया, डिमांड ही नहीं है। अरे हम 50 जगह धनबाद में हर मोड़ पर डोमिनोज खोल दे, क्या हर मतलब क्या पिज्जा है यार, ये तो लेस कुरकुरे थोड़ी 5 रुपए में मिलता है, हर कोई खाए, जब मन करे तब खाए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है मतलब? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज होने लगा, है कि नहीं? दिस इज रिटर्न टू स्केल। लॉन्ग रन में यही होता है कि हम बदलते जाएंगे प्रपोर्शन। एक जमीन ले लेते हैं, दो क्या बोलते हैं इसको, लैंड ले लेते हैं, लेबर ले लेते हैं, फिर जमीन भी बढ़ाएं, लेबर भी बढ़ाएं, जमीन भी बढ़ाएं, लेबर भी बढ़ाएं। एक टाइम आएगा कि जो असल में हम देखेंगे कि यार कितना एडिशन हो रहा है मेरे जमीन और लेबर को बढ़ाने से, अरे यहाँ तो हर जगह सेम एडिशन हो रहा है, दस दस का। और फिर एक टाइम पे देखेंगे अब तो एडिशन गिरने लगा, है कि नहीं? यहाँ पे कौन बिजनेस गिरते हुए भी काम करेंगे जिसको प्रॉफिट बहुत मिल रहा है? मानो मेरा ये चार को, मेरे को एक यूनिट पे 100 का प्रॉफिट मिलता, तो यहाँ कितना का प्रॉफिट मिलेगा? यहाँ पे 600, यहाँ पे ये सब में, यहाँ पे 800, 600, 400, राइट? प्रॉफिट को कोई मना करेगा? ये एडिशनल ना है, ये तो मिल ही रहा है यहां से यहां तक, ये भी तो मिल रहा है, ये सब भी तो मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लॉन्ग रन में फायदा ही फायदा, नुकसान है क्या? माइनस में जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कभी भी गिर रहा है, डिमिनिश होने लग रहा है, लेकिन माइनस में नहीं जाएगा। माइनस में कब जाता है? जब वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा है फिक्स्ड फैक्टर से। अरे जब वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो, लॉन्ग रन या फिक्स्ड फैक्टर भी बढ़ा देंगे हम। जब पांच चूल्हा है
शादी शाम में है, तुम चूल्हा और ला सकते हैं क्या खरीद के? 50 आदमी लगा दिए, नुकसान होगा। लेकिन 5 चूल्हा है मेरे पास, 50 आदमी काम करने के लिए हम और चूल्हा खरीदेंगे, हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। पहले हम एक शादी में काम कर रहे थे, अब हम वही 50 आदमी को बांट देंगे और 10 शादी में काम करेंगे, है कि नहीं? समझ में आया कहानी? तो ये था इसका पूरा ज्ञान। अभी इसी ज्ञान को हम लोग लिख देते हैं कॉपी में, क्योंकि तुम लोग का बुक में जो भाषा है वो थोड़ा हाई लेवल है, तो इसको हम लोग लो लेवल में लिखते हैं, इसको समझेंगे, फिर किताब से पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो, इन दिस स्टेज with every addition to input, output rises at a faster rate. Full stop. That is, suppose if input increases by 10%, output will rise greater than 10%. पहले सिर्फ धनबाद में था, धनबाद में बैंक में डोमिनोज, हम धनबाद से झरिया में भी खोल दिए, गोविंदपुर में भी खोल दिए, मेरा आउटपुट बढ़ेगा स्टार्टिंग में तो बहुत, और ज्यादा बढ़ेगा। हम 3 जगह खोले लेकिन क्या पिज्जा खाली 3 गुना बढ़ेगा? नहीं, बहुत बढ़ जाएगा, राइट? अभी तुम ही लोग सोचो, जो लोग बैंक के आसपास नहीं रहते, जिनके पास आने जाने का कोई स्कोप नहीं है, तुम लोग पैदल या फिर ऑटो से आना जाना चाहेगा डोमिनोज पिज्जा खाने के लिए? ए यार छोड़ो ना, मटिया देते, ऐसे सोचेंगे। बट जब घर के एकदम पास में होगा तो हम लोग जाएंगे खाने के लिए, और वो लोग प्रोडक्शन भी करेगा और ज्यादा, राइट? ठीक है। अभी भैया ये क्यों होता है? लिखो, द फर्म एक्सपीरियंसेस दिस, द फर्म एक्सपीरियंसेस दिस because the economies that the firm experiences, are much higher, than the diseconomies the firm experiences. The economy that the firm experiences are much higher than the diseconomies the firm experiences. ठीक है, इकोनॉमीज दैट द फर्म एक्सपीरियंसेस। धनबाद में ही हम 3 जगह अलग अलग खोल दिए, फायदा ज्यादा दिख रहा है, डिस इकोनॉमी भी है, नुकसान भी है 3 जगह खुलने का। क्या नुकसान है, कोई बता सकता है? हो सकता है कि मेरा बैंक मोड़ वाला ब्रांच का आदमी का ऑफिस है वहां पे, पहले वो क्या करता था, वो शाम का इंतजार करता था और वो बैंक मोड़ में खाता था, लेकिन अब ब्रांच बैंक बोर्ड वालों को नहीं मिलेगा वो पैसा, किसको मिलेगा? गोविंदपुर में अगर ऑफिस है तो गोविंदपुर वाला ब्रांच को, राइट? अल्टीमेटली मेरा कंपनी में आ रहा है पैसा, अल्टीमेटली तो फायदा है, लेकिन ब्रांच का देखा तो एक ब्रांच का थोड़ा नुकसान हो गया। कस्टमर डिवाइड हो सकता है, गुड संस्कार,
ठीक है, अभी इसका भी एक ग्राफ है, इसका ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, प्यारा सा, ठीक है। देखो ये मानो ए है, ये बी है, ये सी है, ज्यादा डिफरेंस किसमें है, ए और बी में, ठीक है। लिखो इन द डायग्राम, ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के बगल में लिख देना, इन द डायग्राम गैप बिटवीन जीरो एंड, मानो ये है 100, ये है 1, कितना दें 70, ये है 200, द गैप बिटवीन 0 and 100 शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम एंड देन लेस एंड देन लीस्ट। गैप देखो, गैप देखो कितना ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर और कम और कम और कम, ये ग्राफ है, ऐसे ही है, इसका डेरिवेशन कुछ दिमाग मत लगाओ, खाली समझो ग्राफ में ये गेम हो रहा है, ठीक है। अगर इसी चीज को तुम, जो हम लोग अभी तुमको टेबल दिखाएं, वही टेबल से बनाते हैं, पॉइंट नंबर 1 टाइम ज्यादा लगता, पॉइंट नंबर 2 दिमाग में खिचड़ी बन जाता कि क्या हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को ये समझना है कि इंक्रीज हो रहा है अभी प्रोडक्शन, ज्यादा मिल रहा है डोमिनोज ज्यादा जगह पे, जब हम धनबाद में दे रहे थे मेरा प्रोडक्शन कम था, जैसे ही हम धनबाद का बैंगमोड में गोविंदपुर में भी खोल देंगे एक बैग बढ़ेगा, फिर झरिया में खोलेंगे बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बढ़ेगा क्या, नहीं थोड़ा कम बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके स्टेज 2, स्टेज 2 कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, लिखो इन दिस स्टेज द फर्म एक्सपीरियंसेस, फर्म एक्सपीरियंसेस आउटपुट विच इज प्रपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनपुट, दैट इज इनपुट राइजिंग बाई 10% एंड आउटपुट ऑल्सो राइजेस बाई 10%, यहां पे अगर यही बात को अगर हम ग्राफ में दिखाएं, क्या बोल रहा है पता है, कि इसमें ना गैप जो है बीच का वो एकदम सेम होगा, समझा, ये जो गैप है ये एकदम सेम होगा। लिखो इन द अबव, इन द बिसाइड डायग्राम, इन द बिसाइड डायग्राम द गैप बिटवीन कर्व शुड बी सेम। अच्छा एक बात, यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या होगा बताओ, कैपिटल होगा या लेबर होगा, कैपिटल रुपीस वाला वाई एक्सिस में डाल दिए और क्वांटिटी वाला लेबर को यहाँ पे डाल दिए, ऊपर भी वही चीज है, कैपिटल वाई एक्सिस में है और लेबर एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अगला स्टेज, स्टेज 3 डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल,
decreasing return to scale. In this stage, with every increase, in input, output increases, but at a decreasing rate. That is, input increases by 10%, output increases at a rate less than 10%, less than 10%. Next line mein, this happens because firm experiences greater diseconomies than economies. हमारे एग्जाम्पल में अगर हर मोड़ पे एक डोमिनोज का सेंटर हो तो क्या हम लोग सब खाएंगे? डिस इकोनॉमी ज्यादा हो गया ना, डिसएडवांटेज ज्यादा हो गया हम लोग का. फायदा होता लेकिन यहाँ पे तो जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए भैया ऊपर कीजिए ना, नहीं लिखे थोड़ा सा. और ऊपर हो गया. अगर इसका डायग्राम बनाएं तो यहां, अरे तेरी, यहां कैपिटल है, यहां लेबर है, यहां पे जो गैप है वो काफी ज्यादा होता है. जैसे मानो ए है 100 तो बी होगा 200, सी होगा 350, गैप बढ़ा हुआ है. लिखो, इन द बिसाइड डायग्राम द गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इन द बिसाइड डायग्राम द गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हम लोग सीखे लॉन्ग रन में होता है. तीन स्टेज होता है, इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट, डिमिनिशिंग. इसमें दोनों जो वेरिएबल है वो क्या होगा, मतलब दोनों जो फैक्टर है वो क्या होगा, इनपुट का वेरिएबल होगा. चेंज कर सकते हैं, जमीन ज्यादा चाहिए ले लो, लेबर ज्यादा चाहिए ले लो. असर का बात करें तो स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, फिर कॉन्स्टेंट होगा और फिर डिक्रीज होगा. ग्राफ का बात करें तो स्टेज वन में गैप ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा. कॉन्स्टेंट वाले में गैप इक्वल होगा और लास्ट वाले में गैप बढ़ते ही जाएगा. गैप बढ़ने का रीजन, डिस इकोनॉमी ज्यादा है इकोनॉमीज के मुकाबले. गैप घटने का रीजन, इकोनॉमी ज्यादा है डिस इकोनॉमीज के मुकाबले. ठीक है, सबको दोनों लॉ क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो हमसे आराम से कंसल्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे. ठीक है, लेकिन पहले पढ़ना, गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. गैप्स रितिका के लिए, गैप्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके,
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आधे घंटे में स्टार्ट होगा, BCR, आप लोग अपना लंच वगैरह करिए, आपको आधे घंटे में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। CMA वालों को BCR का क्लास करने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।